हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अरे भाई यार, मैं बोल रहा हूँ सनम। ओहो हाँ यार, तेरे को कितनी बार बोला है, जब फ्री होऊंगा तब फोन करूंगा तेरे को। अबे अच्छा यार, गुस्सा क्यों कर रहा है? पता है कितनी मुश्किल से तेरा नंबर मिला है मुझे। अच्छा ये बता यार, तेरा पहले वाला नंबर बंद क्यों आ रहा है? वो कुछ नहीं यार, एक्चुअली मेरा फोन ही गिर गया था, तो मेरी किसी से भी नहीं बात हो रही। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी, कौन है? आ जाओ, जो भी है अंदर आ जाओ। हे ईशा, कैसे हो विक्की? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। सब बढ़िया। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा कितने दिन से? रोज ट्राई करती हूँ। वो यार मेरा फोन ही गिर गया है, इसलिए किसी से भी नहीं बात हो रही मेरी। आ जाओ बैठो, हैव ए सीट। नहीं मुझे जल्दी है, थोड़ा मुझे कहीं और जाना है। अच्छा चलो लिख लो ना, 9988214121। ओके थैंक यू, फिर किसी दिन मिलते हैं। चलो ठीक टेक केयर। ओ सॉरी यार, एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था मैं। हाँ भाई, कर ले मज़े। अकेले अकेले लड़कियों के साथ मज़े ले रहे तू? अरे नहीं नहीं यार, ऐसी कुछ बात नहीं है, जस्ट फ्रेंड है मेरी। अरे जा रहे हैं, तेरे को जानता हूँ मैं। चल फिर, अब मैं रखता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ तेरे को फ्री होके, ठीक है? चल ठीक है, ओके। यार वो भी क्या दिन थे ना, जब हम कॉलेज में कितनी मस्ती किया करते हाँ थे। यार, पूरा पूरा दिन मस्ती किया करते थे। तुम्हें याद है, संजना और उसका बॉयफ्रेंड क्लास में एक दूसरे से चिपके ही रहते थे। हाँ यार, उन दोनों ने तो ना कॉलेज टाइम ही इतनी ऐश कर ली थी। और तुम्हें पता है वो कितना खुलकर एक दूसरे के साथ रहते थे। बिल्कुल सही कहा, बहुत कम लोग होते हैं जिसको जिसे प्यार हो शादी भी उसके साथ ही हो जाए। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने कभी किसी से प्यार किया? होता तो बता ही देता, लेकिन तुमने भी कौन सा बताया है, तुम भी तो किसी ना किसी से प्यार करती होगी ना। अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। अच्छा ये छोड़ो, आज फ्री हो? क्यों, कोई काम था? अरे नहीं नहीं यार, आ जाना मेरे घर पे अगर फ्री हो तो, थोड़ी फाइल्स वगैरह कंप्लीट करनी है, हेल्प कर दो ना प्लीज। विक्की तुम नहीं सुधरोगे, स्कूल से लेके आज तक सारे काम अपने मेरे से करवाती हो, कभी तो अपना काम खुद कर लिया करो। अरे यार तेरे पे तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट है मुझे। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। अरे तू, अबे साले तू यहाँ पर है, मैं कब से बेल बजा रहा हूँ यार। फोन तो कर देता आने से पहले मेरे को। अच्छा अगर मैं फोन कर देता तो साले तुम मुझे यहाँ आने देते क्या? चला आ मेरे साथ अंदर। चल अंदर कैसे घुस जाऊँ, दरवाजा तोड़ दूँ? खोलेगा इसे? खोलता हूँ। पता नहीं यार, यार लगता फिर से लोग फंस गया, कहने को बुलाना पड़ेगा यार। अरे इधर देख, पड़ोसन है वो मरी, बहुत अच्छी है वो। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, इधर लॉक नहीं खुल रहा और तू कमीना पंती कर रहा है, लगता है अब नीचे जाना पड़ेगा, मैकेनिक को बुला कर लेके आता हूँ। तो क्या मैं यहीं खड़ा रहूँ क्या? चल आ मेरे साथ चल तू भी। क्या ना, अरे विकी तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। भाभी ये मेरा दोस्त है सनम, आज ही आया गांव से। एक्चुअली ना हमारे घर का लॉक नहीं खुल रहा, लगता है खराब हो गया। ओके कोई बात नहीं, तुम बैठो। नहीं नहीं हम बस सामान रखने आए हैं। तुम्हारा दोस्त इतनी दूर से आया है, कोई चाय पानी? तू एक काम कर, तू चले जा, लॉक सही करा, तब तक मैं बैठता हूँ चाय पानी पीता हूँ। क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? वो कुछ नहीं भाभी, काफी देर बाद मिले हैं ना तो थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। ठीक है यही उम्र तो है मस्ती करने की। तू जा जा।
हाँ भाभी, वो दरवाजे का लॉक सही कराना था ना, तो मैकेनिक को लेने गया है। अरे मैं तो उसकी चाय लेके आई थी। तो कोई बात नहीं भाभी जी, उसके हिस्से की चाय भी मैं ही पी लेता हूँ। वैसे भाभी जी, ये आप पी लीजिए, बातचीत का माहौल बना रहेगा। अरे तुम बड़े मजाकिया हो, तुम्हारे भैया भी ऐसे ही हैं। भैया को छोड़ो, मुझे चांस देकर देखो डार्लिंग। वैसे क्या सोच रहे हो तुम? हाँ नहीं नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि घर काफी अच्छा डेकोरेट किया है आपने। वो एक्चुअली कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, इसलिए इतनी डेकोरेशन की है। अच्छा अच्छा, बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। वैसे सनम तुम बहुत अच्छे हो, मैं घर पे अकेली होती हूँ, जब फ्री होते हो आ जाया करो कभी कभी। लगता है विकी आ गया, उसका मैसेज आया है। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ तो मैं आ जाया करूँगा। अच्छा एक बात बता, भाभी के घर कोई गलत हरकत तो नहीं करके आया? अबे यार तेरे को एक बार बोला है ना मैंने, कुछ भी नहीं किया, भरोसा नहीं है यार। तेरे पे कैसे भरोसा करूँ, तू तो पूरा हरामी है। ठीक है भाई, भरोसा करना है कर, नहीं करना है मत कर, तेरी मर्जी है। गुस्सा क्यों कर रहा है, मजाक कर रहा हूँ। अबे गुस्सा करके जाऊंगा भी कहाँ, रहना तो मुझे यहीं पर है। नहा ले, फ्रेश हो जा थोड़ी देर में। नहीं यार पहले लेटूंगा थोड़ी देर, बहुत थकावट होगी। अरे नहीं, बाहर से आया है, पहले फ्रेश हो, मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। चल ठीक है। अच्छा सुन, अकेले ही नहाना पड़ेगा यार, कोई साबुन लगाने वाली का इंतजाम ही कर दे यार। अरे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत हरामी ना बन, जा नहा ले अकेले से। भाई यार खुल के जियो, ऐसा घुटघुट के जीने का यार क्या मतलब है यार, लेट दैट थर्क कम आउट फ्रॉम द बॉडी। यार जल्दी जाके नहा ले, कोई शाम को आने वाला है। कौन आने वाला है? अरे कोई बात नहीं, मिलवा दूंगा उससे भी तेरे को। और एक बात याद रखना हमारी, हमें डिस्टर्ब मत करना, और हमने फाइल्स बनानी है, नहीं तो बॉस गुस्सा करेगा। अबे बॉस की माँ की, चल जा चाय बना। ओए टिचकू जा जाके दरवाजा खोल। अबे उसके सामने ऐसे मत बोलना, बुरा मान जाएगी वो। मान जाएगी लड़की, वो भी आधी रात को। साले जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है, काम के लिए आई है वो। अच्छा जा। आओ ईशा, और इसे तो तुम पहचानती होगी। हाय सर। हे तुम कब आए? बस आज ही आया। विकी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सनम भी आने वाला है? अरे ये तो पहले ही बिन बुलाया आ गया, मैंने तो बुलाया भी नहीं इसको। अच्छा वैसे तुम दोनों कब और कैसे मिले? हम दोनों इकट्ठे काम करते थे कंपनी में, 2 महीने पहले ही इसने चेंज किया है। अरे तुम दोनों मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे या खड़े खड़े सारी बातें खत्म कर? सॉरी मैं भूल गया, बैठो मैं जूस लेकर आता हूं। मुझे पानी चाहिए। ओके मैं लेकर आता हूं। और वैसे विक्की ने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम दोनों साथ में काम करते हो। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। चलो छोड़ो, देखो बाई चांस हम तीनों फिर से मिल गए। हाँ, कितनी खुशी की बात है ना। वो तो है। चलो तुम दोनों बैठकर बातें करो और अपना काम करो। ये लो पानी पियो। अरे विक्की ये पहले से सुधर गया या वैसे ही है? अरे तुम इसका चक्कर में मत पड़ना, ये वैसे का वैसे ही है, और चिपकू हो गया। चलो छोड़ो हम अपना काम करते हैं। हाँ अरे भाई खाने को कुछ है? भूख लगी है। थोड़ा रुक जाए यार, डिस्टर्ब मत कर अभी, बस थोड़ा ही काम बाकी है। भाई पेट में चूहे नाच रहे हैं यार। थोड़ा सब्र रखो यार, मैं बनाती हूँ कुछ, बस 5 मिनट। अरे नहीं मैं बना दूंगा, तुम बैठो। विक्की यार तेरे को तो मालूम ही है, मुझे जब भूख लगती है तो हालत खराब हो जाती है मेरी। विक्की तुम अपना काम करो, मैं किचन में कुछ ना कुछ बनाती हूँ। क्या यार तुम क्या काम करोगी?
मैं करता हूँ ना। अबे यार वो कह रही है तो उसे करने देना, क्या प्रॉब्लम है? विक्की मैं आती हूँ, तुम करो काम। ईशु क्या बना रही हो? मैगी बना रही हूँ, खाओगे? यार जितनी भूख लगी है, तुम चाहे मुझे कुछ भी खिला दो, मैं खा लूंगा। तुम अभी भी नहीं सुधरे पहले जैसे हो। अच्छा तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम करते क्या हो? मुझे क्या करने की जरूरत है, पापा की अच्छी वाली जॉब है यार, पुलिस लाइन में है, अच्छी वाली इनकम आ जाती है। मैं तो बस चैन से बैठकर खाता हूँ। अपना भी तो खुद कुछ करना चाहिए ना। तुम कौन सी बातें लेकर बैठ गई है? लो बन गई तुम्हारी मैगी। अच्छा देखूं तो सही। ये लो बन गई तुम्हारी मैगी। ये लो अब पेट भरकर खाना। अरे वाह फर्स्ट क्लास, बिल्कुल एकदम तुम्हारे जैसे। हाँ छोड़ो। विक्की मुझे अभी घर जाना है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों चेंज हो गया? बस ऐसे ही, उसी कमीने ने कुछ ना कुछ गलत बोल दिया होगा ना। सॉरी ईशा। तुम क्यों सॉरी बोलोगे, मुझे अभी जाना है। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। बस मैं अपने आप चली जाऊंगी। बाय विक्की। भाभी क्या लग रही है यार, एकदम पटाका। जी तो करता है अभी दबोच लूं उसे। हेलो भाभी जी, क्या हाल है? ओह सनम ठीक हूँ, तुम बताओ? बस ठीक हूँ भाभी जी। सही लगी मॉर्निंग? हाँ मैंने आज गाजर का हलवा बनाया है, जब फ्री हो तो आ जाना। हाँ क्यों नहीं भाभी जी, आप इतने प्यार से बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसे हो सकता है? मैं बस अभी आया रेडी होकर। विक्की को भी साथ में ले आना। वो थोड़ा सा बिजी है, काम है ना उसे। कोई ना मैं आ जाता हूँ, मैं बस अभी आया। वाह भाभी जी मजा आ गया सच में, अब जो भी चीजें बनाती हो ना एकदम लाजवाब होती है। अच्छा इतना अच्छा लगा क्या? लेकिन तुम्हारे भैया तो कहते हैं तुम्हें कुछ बनाना ही नहीं आता। वो तो मजाक करते होंगे, वैसे मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी आपके हाथ चूम लूं। अरे बस बस इतनी भी तारीफ मत करो, अब जो है सो है। अच्छा तुम बैठो, मुझे किचन में थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। अरे भाभी जी आप मुझे दीजिए ना, मैं करता हूँ आपकी हेल्प। तुम रहने दो मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, मैं कर लूंगी, अपना ही घर है। वैसे भाभी जी एक बात कहूँ? हाँ हाँ पूछो। आप इतने बड़े घर में अकेले बोर नहीं हो जाते? हो जाती हूँ कभी कभी। तो लाओ आज मैं आपकी बोरियत दूर कर देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। भाभी आप तो बुरा ही मान गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक्चुअली मैं भी यही चाहती थी।
आपको पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तन बदन में आग सी लग गई थी। अरे तुम क्या कम हो, घोड़े हो घोड़े, वो भी लंबी रेस के। आज तो जन्नत की सैर करा दी आपने, लेकिन कल नहीं हो पाएगी। क्यों? वो मेरे हस्बैंड आने वाले हैं ना। क्या भाभी, अपने सनम को नाराज करोगे? चलो कोई बात नहीं, जैसा आपका हुक्म। रेशा तुम? हाय सनम। हाय। विक्की घर पर नहीं है क्या? नहीं अभी तक तो आया नहीं, बट कोई बात नहीं, तुम बैठो, आ जाएगा वो। नहीं नहीं मैं फिर कभी आऊंगी। अरे ईशा प्लीज बैठो ना यार। फिर कभी? अरे कोई बात नहीं, बैठो यार। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। नहीं नहीं मैं जूस नहीं पीती। जूस। ईशा उस दिन के लिए आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सनम, तुझे तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना। अरे अभी तक विक्की क्यों नहीं आया? किसी ट्रैफिक या काम के सिलसिले में फंस गया होगा। कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, हम बातें करते हैं।
विकी तू? तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है यार? वो मैंने बंद किया है यार, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए किसी की। तू बता इतना परेशान क्यों लग रहा है यार? यार जल्दी बोलना यार। कैसे बताऊं यार तेरे को? अरे यार क्या हुआ, इतना घबराया क्यों हुआ है तू? तूने रोहन की बहन के साथ जो किया है वो मेरे को सारा पता लग गया, और रोहन ने गुस्से में तेरी बहन के साथ भी वही की जो तूने उसकी बहन के साथ किया। नहीं यार, उसने भी सुसाइड कर लिया। उसकी क्या गलती थी यार? ईशा के साथ भी वही करने वाला था यार, वो अंदर बेहोश पड़ी है। तो ये करने जा रहा था? I'm sorry।